हनुमान जी के फोटो के साथ अभद्रता और हिंदू समाज के देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले संदेशों के खिलाफ इंदौर में नारायणी सेना के कार्यकर्ताओं ने DIG से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी एक ज्ञापन के माध्यम से दी। जो भी इस तरह के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है उस पर साइबर क्राइम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। नारायणी सेना हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ होने वाले दुष्प्रचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती आई है। इस घटना से समूचे हिंदू समाज आहत हुआ है और मांग की है कि जिसने भी ये कृत्य किया है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही की जाए। पूरे मामले को सुनने के बाद DIG ने मामले की जाँच वरिष्ठ अधिकारियों को की है और जाँच के बाद कार्यवाही की बात कही है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय श्री राम, जय बोलो हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। पर इंदौर के अंदर वो वीडियो खूब चला, तो उससे कहने जी त्रिशूल लेके भग गए हैं राम भगवान का, इस तरह का जो होता है, थोड़ा सा आपसे निवेदन है। नारायणी सेना के द्वारा आज हम यहां पर DIG साहब को यह सूचित करने आए थे कि कल हनुमान जयंती के दूसरे दिन ही जो यहां पर हमारे कुछ साथियों ने अपनी बात रखी थी सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, उन लोगों ने प्रदर्शन करा था। प्रदर्शन के दौरान हमारे आराध्य देव भगवान हनुमान जी के फोटो के साथ में उन्होंने बहुत ही घृणित कार्य किया। फोटो रख के उस पर थूकना और उसके ऊपर चप्पल जूते दिखाना, साथ में भगवान के साथ में काफी मजाक अजाक हो रहा है, हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान रहा है, उसके विरोध में आज हमने यहां पर आकर DIG साहब से निवेदन किया है, क्योंकि वह भी हमारे हिंदू धर्म के चौथे वर्ण हैं और हिंदू समाज के ही हैं। उनके कुछ साथियों ने यह शरारत जानबूझकर करी गई है ताकि हिंदू और सवर्ण हिंदू समाज में सवर्ण और दलितों में विवाद हो और इस बात को वो लोग बढ़ावा देना चाहते हैं, जबकि यह कहीं पर भी मध्य प्रदेश में नहीं है और पूरे हिंदुस्तान में भी नहीं है। राजस्थान का है वीडियो है जहां पर वो लोग ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से सवर्ण और दलित वर्ग के लोग एक दूसरे के आमने सामने आए और लड़े और यह दुष्प्रचार वो लोग करना चाह रहे हैं, उसके विरोध में हमने आज यहाँ पर आदरणीय DIG हरिनारायण जी मिश्रा जी को अपना ज्ञापन दिया है और बात कही है कि ऐसे जो भी दुष्प्रचार करते हैं, जो सोशल मीडिया पर लोग इसको फॉरवर्ड करते हैं, उन लोगों के ऊपर साइबर क्राइम के तहत आरोप करते हुए उनको प्रकरण दर्ज किया जाए।